हेलो एवरीवन वेलकम टू श्री राम आई एस यूट्यूब चैनल वेर वी कवर डेली करंट अफेयर्स फॉर यू दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर एंड इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो न्यूज़ आर्टिकल्स बहुत आपको दिख रहे होंगे कि अभी सेवनटीन एटीन मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया बांग्लादेश के दे विल वर्चुअली इनोग्रेट दिस फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश की क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन डीजल ट्रांसपोर्टेशन की जो ऑयल पाइपलाइन है बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज इसका जो है अब इनोग्रेशन होगा इन दी कमिंग टाइम्स तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में जान लेते हैं ये एक इंटरनेशनल पाइपलाइन है एक तरफ इंडिया एक तरफ बांग्लादेश तो इट विल कैरी डीजल फ्रॉम सिलीगुरी बेस्ड मार्केटिंग टर्मिनल ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड टू प्रभातीपुर डिपोर्ट ऑफ बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसी तो आप ये बांग्लादेश इंडिया की फ्रेंडशिप पाइपलाइन देखो ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये है सिलीगुरी सिलीगुरी से जो बेसिकली इट विल फ्रॉम दिस रिफाइनरी लिमिटेड डीजल विल बी एंड यहां से फिर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इज द टर्मिनल अभी जो पाइपलाइन है ना फाइव किलोमीटर इसमें uh, जो पाइपलाइन का पोर्शन है दैट इज इन इंडिया बाकी बांग्लादेश में है वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव सेवन किलोमीटर पाइपलाइन का जो पोर्शन है वो बांग्लादेश पोर्शन बांग्लादेश में एंटर होता है पांच किलोमीटर इंडियन पोर्शन है राइट तो टोटल अगर आप बात करोगे फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश तो वन थर्टी जीरो किलोमीटर लॉन्ग ये पाइपलाइन है थ्री फिफ्टी करोड़ इंडियन रुपीज बेसिकली इस प्रोजेक्ट की कोस्ट रही और ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बींग बिल्ड अंडर दी ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पाइपलाइन की कैपेसिटी कितनी है वन मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है पर एनम तो यहाँ पर ये बहुत लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था 2017 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था फिर उसके बाद कोविड आ गया 2020 में फिर इसकी जो डेडलाइन थी इसको एक्सटेंड किया गया ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन और फिर फाइनली इट इज गोइंग टू बी कम्पलीटेड जो थोड़ा काम है वो बाई द एंड ऑफ डिसम्बर वो कम्प्लीट हो जाएगा तो ये Uh, जो पाइपलाइन है uh, एक बार ऑपरेशनल हो जाएगी तो बांग्लादेश विल स्टॉप इंपोर्टिंग दी ऑयल बाय रेलवे देखो बहुत पैसा लगता है और जो रेलवे uh, से आप अगर आप मंगा रहे हो तो इट विल अब ये पाइपलाइन से आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी एंड दिस गैस ऑयल विल बी यूज इन द एग्रीकल्चर रीजन वेयर डीजल डिमांड इज अराउंड वन मिलियन टनस पर ईयर तो so, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है म्यूचुअल डिस्कशन से इट इज़ एक्सटेंडेड एंड दे हैव एग्रीड फॉर लाइक 15 ईयर्स सब्जेक्ट टू द म्यूचुअल डिस्कशन तो इट विल गो एक्सटेंड टू एक्सटेंड टू 15 ईयर्स लेटर बट अभी के लिए दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर दिस वॉल्यूम एडजस्टमेंट ऑफ़ द वॉल्यूम प्रियोडिकली जो भी डिमांड रहेगी एंड द इम्पोर्ट में भी एक्सपेंडेड बियॉन्ड दी एग्रीड फिफ्टीन ईयर तो अभी इनिशियली इट विल भी फॉर फिफ्टीन ईयर्स रेस्ट इट विल भी एक्सटेंडेड राइट तो ये था एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन आज का बाकी डी एन ए न्यूज़ एनालिसिस आपने देख लिया होगा एंड uh, आज का डी एन ए न्यूज़ एनालिसिस जो है uh, वो आपको प्लेटफॉर्म पर मिल चुका होगा और फिफ्टीनथ मार्च का जो डी एन ए है वो आज शाम तक मिल जाएगा टिल देन टेक केयर एवरी वन गुड लक गुड विशेज हैप्पी लर्निंग